हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे फौजी भाई? बहुत बढ़िया। और क्या बात, और क्या लुक है भाई का। भाई सबकी नाक एक सी है। तो गाइस कैसे, छोड़ो भैया नाक की बात नहीं करने का, खून खुलने लगता है हमारे में। तो भैया यहाँ पे देखिए, यही मिक्सी। तो भाई हमने बनाई थी मिक्सी ग्राइंडर या जो भी। तो भाई हम इस पर कुछ भी घिस सकते हैं, कोई भी हम चीज शार्प कर सकते हैं। हमने इसे जुगाड़ से इस ग्राइंडर मशीन का सैंडर मशीन बनाया था। तो भाई आज से हम बनाने वाले हैं बुढ़िया के बाल इस ब्लॉग में। और भाई सेकंड मानिए, मैं काफी दिन से सोच रहा था इस व्लॉग को बनाने के लिए, लेकिन गाइस टाइम की काफी कमी है मेरे पास। तो फिलहाल गाइस देखते हैं क्या होता है। इसे तो भाई फिलहाल हम साइड में रख देंगे, वो तो यहाँ रख देंगे जहाँ पे इसकी जगह है। अब गाइस इसमें थोड़े से और मॉडिफिकेशन हमें करने पड़ेंगे। तो भाई सबसे पहले हमें चाहिए कोई एक बॉक्स। गाइस पहले मैंने बॉक्स ले लिया था जो कि टिन का बॉक्स था, लेकिन भाई मैंने काफी ढूंढ लिया व्लॉग बनाने से पहले ही, वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो भाई मैंने सोचा चले गाइस आज थोड़ा सा नया करते हैं, और इससे पता भी लग जाएगा कि भाई ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो गाइस हमारे पास काफी ऐसे बॉक्स पड़े हैं जो गाइस दवाई के बॉक्स हैं, तो भाई हम इन्हें ले लेंगे। और इसका ढक्कन भी ले सकते हो। मेन चीज गाइस ये जो दवाई वाला है ना, 2 नंबर क्वालिटी का है। तो गाइस ये खाने पीने योग्य, मतलब प्लास्टिक खाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इसके अंदर गाइस जो दवाई आती है ना, इनकी प्लास्टिक क्वालिटी होती है, कुछ ग्रेड होते हैं। तो गाइस ये 2 ग्रेड की प्लास्टिक है, तो इसमें बेशक खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसे रियूज भी कर सकते हैं। जो 1 नंबर की आती है ना, कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है ना, वो सिर्फ 1 टाइम यूज की होती है। जो गाइस हम बाबू ने पानी भरकर रखते रहते हैं, वो गलत है। खैर यहाँ हम डॉक्टर से हमारे एक्सपेरिमेंट बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अपना तो भाई ये जो ढक्कन है, तो भाई ढक्कन के हमें अभी जरूरत नहीं है, लेकिन भाई आगे जरूरत पड़ेगी। गाइस यकीन मानिए आपने काफी वीडियो यूट्यूब पर देखे होंगे, लेकिन भाई ऐसी वीडियो कभी नहीं देखो। गाइस बुढ़े के बाल बना रहे हैं सीधा प्लास्टिक के ढक्कन से। फटाफट शुरू करते हैं ये जुगाड़। फौजी भाई फटाफट आओ। और ये बहुत ही अच्छे इंसान है। कैसे सुस्ती से छा रही है, क्या बात होगी? कुछ नहीं, भाभी ने मारा नहीं मारा। बिल्कुल चुप। तो गाइस थोड़े से हमें टूल की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो भैया टूल की तो भाई हमारे पास कमी नहीं है, पूरी पूरी गाइस वर्कशॉप यहाँ पे है हमारी। पहले लेते हैं भाई कोई भी एक ड्रिल मशीन, ड्रिल बिट। तो भाई इसे तो रखते हैं साइड में, इसे ले लेते हैं। आज इस पे एक ऑपरेशन करेंगे, काफी मजा आने वाला है। देखिए इसका सेंटर में ढूंढने जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बीच में है, लेकिन ये एक वो आ रहा है छोटा सा कुटका। फटाफट करते हैं हॉल, इतना बड़ा हॉल करेंगे ये अच्छे से आ जाए। वाह वाह क्या हो रहा है। ओहो भाई साहब अभी लग जाती, पता नहीं भाई होगा नहीं होगा। बहुत तकलीफ होती है। वैसे गाइस मुझे पहले भी उम्मीद थी, मैंने एक बार गमले में ऐसा किया था। तो गाइस मेरी जब भी बेइज्जती तो यार मेरी बेइज्जती आज भी है। तो भाई हम क्या करेंगे, दूसरे लेने चलने। कोई ना डिब्बों की तो मौज है। तो भाई डिब्बों की तो कमी नहीं है, कहाँ चले गए भाई कमी ना। ये रे हाँ एक ये रहा, खैर इसे ले लेंगे। देखिए भाई इस बार हम ऐसा बिल्कुल गड़बड़ नहीं करने वाले गाइस जैसा कि अभी किया था। भाई यकीन मानिए बहुत दुख होता है, दिल से बुरा लगता है भाई जब हम कैमरे के सामने कुछ गड़बड़ कर देते हैं। कोई नहीं हम दिखा देते हैं भाई। फौजी भाई फटाफट सोल्डिंग लगाओ। भाई इसमें जो ना आपका फायदा हो गया, तो गाइस ड्रिल मशीन हर किसी के पास होगी नहीं। हाँ सोल्डिंग होगा, सोल्डिंग ना भी होगा तो भाई सरिया तो होगा, कोई रोड तो होगी, कोई स्क्रू ड्राइवर तो होगा, तो भाई उससे इसमें हम होल कर सकते हैं। टूटा है भाई से कई टुकड़ों में, ये प्लास्टिक नहीं दिल है मेरा। यकीन मानिए भाई जो बुढ़िया के बाल वाली मशीन होती है ना, उसकी काफी हाई आरपीएम होते हैं। और भाई इसके आरपीएम तो गाइस हम कंट्रोल भी कर सकते हैं मशीन के। भाई यहाँ गाइस मैंने एक स्पीड कंट्रोलर भी लगा रखा है। और भाई ये जो स्पीड कंट्रोलर ये है कूलर का, जो गाइस आप जानते हो मोटर काफी हैवी है, तो भाई काफी हैवी चाहिए हमें। बहुत अच्छा करा तुमने जो स्विच नहीं खोला, ये तुमने काफी अच्छा काम किया है। और लेट होने की तरफ अग्रेसिव हम हो रहे हैं, तो भैया पहले फटाफट इसे गर्म कर लेते हैं। कुछ लोग ये भी कहेंगे समर ऐसे होल ना करके ऐसे होल कर दो। भाई मैंने करके देख लिया तब भी टूट जाता है। एक बात और, इतने सोल्ड है गर्म हो रहा है, इसमें छोटे छोटे मार्क लगा लेते हैं ना, क्योंकि आप जानते हो भाई इसमें भी हम होल करने पड़ेंगे। तो भाई ऐसे अंदाज़े से लगा लेते हैं छोटे छोटे ये मार्क, जिससे गाइस हम कर सके बाद में इसमें होल। तो भाई कोई ऐसा एक्यूरेट नहीं है कि हमें बिल्कुल एक्यूरेट होल करने है। इसमें क्या करें भाई जब हो ही नहीं रहे एक्यूरेट। और भाई प्लास्टिक का है, प्यार से काम लेंगे इसका, देखते हैं भाई क्या होता है, वरना चास नहीं हमारे सीधा मुंह में। और भाई लगभग ये हीट हो गया होगा हमारा जो। ओ बाप रे, ओ भाई ये क्या होगा। फौजी भाई इसके अंदर से चिंगारी उठी अभी तोड़ लगाने के अंदर से, देखना इन्वर्टर कट मार गया चल गया। अरे यार देख रहे हो ये हुआ, दूसरा ले आओ फटाफट। गाइस मैं कहने वाला था कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, कोई बात नहीं खैर अब हो गया तो क्या कर सकती है। गाइस मशीनें मेंटेनेंस मांगती है। फौजी भाई लगाओ फटाफट, प्लीज इसका स्विच भी खोल देना। तो गाइस फाइनली ये बिल्कुल ठीक हो चुका है, और भाई इसकी चोंच मैंने काफी बारी कर दी है। चलिए भाई इसमें होल करना स्टार्ट करते हैं। तो भाई फाइनली काफी बड़ा होल कर दिया है, और जहां पे मैंने छोटे छोटे होल कर दिए। देखिए गाइस अंदर से भाई कोई भी उभार आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए जैसे यहां पे ऊपर
ऊपर निकल रहा है, प्लास्टिक निकल रही है, तो आप इसे ऐसे कट कर सकते हो। नहीं जी भाई, ये हो गया भाई बिल्कुल प्लेन। सोल्डर लगाने से बहुत आसान है जो कि भाई, कोई स्क्रू ड्राइवर आप गर्म करके भी ऐसा कर सकते हो। तो भाई इसको जो कैप है ना, हम कैप लगाएंगे, लेकिन भाई कैप को यहाँ से काट देंगे जहाँ पर इसका निशान लगा हुआ। तो भाई कैप तो बिल्कुल भाई हलवा, मतलब मैं ज्यादा जान नहीं लगा रहा हूँ, आप मेरी आवाज से पता लगा सकते हो, बहुत आसान से कट जाती है प्लास्टिक। वो गलत राह पे नहीं जाना, ये इतना स्पेस गाइस बहुत है चाशनी डालने के लिए। देखो भाई कट गया यार, पता ना कौन सुबह सुबह तल्ला साहब के गाने बजा रहे हैं ये। मैं तो रो रहा हूँ यार, मतलब रोने को मन कर रहा भाई मेरा, तो दिल दुख रहा भाई जो बात। ना जाने क्यों तेरा मैं कर बिछड़ना याद आता है। भाई ब्लॉग बाद में डालेंगे, पहले गाना सुन के थोड़ा सा मातम मना का हूं मैं। ये हमारा फाइनल बॉक्स बन चुका है, लौंडा कैसा लगा? मस्त है ना बिल्कुल। अब इसके अंदर डालेंगे तो बाहर नहीं निकलेगा, कुछ होल बंद हो गए तो भाई इन्हें भी मुझे खोलना पड़ेगा। तो एक बार इसमें बस प्रकार घुमा दो इस प्रकार से। तो भाई अब सारे छेद इसके खुल गए हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा छेद इसे बन चुका है। वैसे गाइस अतुल्ला साहब का गाना बज रहा है तो उसकी गाइस आपको आवाज नहीं आएगी, क्योंकि मैंने माइक लगा रखा है। लेकिन गाइस मैं आपको चाहता हूँ कि मैं रो रहा हूँ सुबह, थोड़ा आप भी रो लो, थोड़ी देर गाने सुनो, मैं छुपाऊंगा तब आवाज आ पाएगी शायद। भाई देखो कॉपीराइट का इशू हो तो गाइस मैं पार्ट कट कर दूंगा, कट करना पड़ेगा। हम तो इस गाने को भी एंजॉय करते हैं, पड़ोसी तो भाई कह तो सकते नहीं, क्योंकि इस पड़ोसी के पास दो नाली है हमारे, कट्टे बट्टे ले घूमता, तो हम कहते नहीं, हम किसी को परेशान नहीं करते। तो भाई ये हो गया कंप्लीट। हो जी भाई बहुत आराम कर लिया तुमने, मक्के जाओ तुम वाशर लेकर आओ। यार तुम इतना सुस्त मत हुआ करो, वाशर दे दो हाथों, बड़े बड़े लौंडे से बिल्कुल पहले रखे तुमने भाई, इन्हें पहले धोकर लाते हैं अच्छे से, है ना। यार मौसम की भी हालत खराब हो रही है भाई साहब, पता नहीं चल रहा क्या फिर के ले रहा मौसम, कभी यार धूप निकल जाती है, कभी बारिश हो जाती है भाई, पहले गर्मी लगी तब कंबल ओढ़ रहे हैं, सब फिर के ले रहे हैं भाई साहब, देख रहे हो सारी धूप आई गई। खैर जो बात है पौधों के लिए अच्छा है, वो थोड़ी ठंड अच्छा रहेगा। अबे ससुरे बिल्कुल फिक्स यार, यार टूट जाओ इसे नीचे लगाते हैं तो, लेकिन यार ये थोड़ा टेढ़ा कर देगा इसे, दो सवा से निकालो और इसे बाहर फेंक के आओ। ये इसमें ड्रिल मशीन घुमानी पड़ेगी भाई साहब, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो भाई साहब टोटल मिला के ये है कि आज के व्लॉग काफी लंबा होने वाला है, तो भाई बने रहो बैठ रहो और हम साथ मिलके खाएंगे बुढ़िया के बाल। मजबूती का आलम है ये कि कमजोरी की बीमारियां में ये खराब हो जाएगा। वो लाओ लोहे वाला ठिया जो हमारा, जैसे अरे हो गया, ऐसे मरे हो तुम मुझे, ये बढ़िया कभी नट कहाँ इसका। चलो भाई बहुत हो गया, अब बहुत मूड खराब मेरा, अब भाई इसमें लगा के मानूंगा। लो फौजी भाई पकड़ो फटाफट, चलो सही है। भाई प्लाट तो बहुत ही काम का गैजेट है भाई, कसौटी नट की भाई साहब, हाथ मेरे बंदर जैसे लाल हो गए। अब भाई बंदर जैसे लाल कैसे हो गए, ये कौन समझ रहा है मेरी बात को। वाह भाई थोड़ा सा टेढ़ा घूमे तो प्लीज दोस्तों बर्दाश्त कर लीजिएगा, ये ऐसी भी हो जाएगा लुल्लू सा है। फौजी भाई चला के देखे, लगाने तार इसका बोर्ड में लगाओ, बंद करो। यार पहले चला दिया, रुक जाओ चलाना आराम से चलाना, चलो रोक दो ना भैया ना। गाइस मैंने पहले ही कहा था ये ऐसे हो सकता है। देखो अभी इलाज करते हैं इसका, लो एंगल ग्राइंडर लाओ, देखो ये ऊपर ज्यादा निकला ना, देखते हैं यार वो भी काम कर पाता नहीं कर पाता। ये भाई बढ़िया था यार जो बात है, ऐसा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम मिलो है। क्या कहते बोजी भाई, काम होगा नहीं होगा? हो सकता, चलो परमिशन तो मिल गया मैं गवर्नमेंट की तरफ से कि ये काम कर सकता है, लेकिन अब भी इतना स्टेबल नहीं होगा जितना कि स्टेबल लोहे का बॉक्स होता है। भाई इतना बुढ़े का बाल नहीं मजा आता भाई, जितना इसे देख के आंखों को सुकून मिला, सुबह सुबह डांस देखने मिला आपको भी और हमें भी। चलो भाई अभी थोड़ा लगने भी आसानी रहेगी। एक चीज और कर सकते हैं, बड़ा वाशर लेगा बड़ा, अगर अब बिगड़ाने का पड़ा तो मेरा मूड खराब हो जाएगा, अगर जब मेरा मूड खराब होता तो ठीक भी हो जाता थोड़ी देर बाद। चलो रखना जरा चलाओ, अरे वाह बिल्कुल सीधा घूम रहा भाई, बात बंद कर लो। ओ भाई किसी ने सोचो कि भाई ऐसी भी ढक्कन को काट के हम छोटा बना सकते हैं काम करने लायक। भाई ये जो ढक्कन ना ये इसके ऊपर लग जाएगा, चाशनी को ऊपर निकलने नहीं देगा, क्योंकि इसके बॉर्डर है थोड़े थोड़े। फौजी भाई ग्लूगन लगाओ फटाफट। तो चलिए भाई इस पे लगाते हैं, थोड़ी हाई वाली ग्लू गन का मैं यूज कर रहा हूँ, अंदर मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि आप जानते हो भाई ये जो है ना अंदर लगानी ठीक नहीं है, है ना। देखो भाई एक जगह नहीं रुकना और तुरंत लगा देना। लो भाई साहब हटा लेते हैं जो कि एक्स्ट्रा निकली हुई बिल्कुल। अब भाई ये बात तो पक्का कि ये जो ढक्कन है ये निकलेगा नहीं, हम चाहे तो ऐसी पे लगा सकते हैं थोड़े सेफ्टी पर्पज। अब भाई हमें बनानी है इसकी चाशनी। तो भाई हम एक नए ऑपरेशन पे चल दिए हैं और हम थोड़ा सी चीजें लेकर आ रहे हैं बिना पूछे मम्मा से, रसोई में से कुछ चीजें गायब करने के लिए। हाँ फौजी भाई क्या क्या चाहिए उठा लो इधर फटो। फौजी भाई अरे सर ले लें गर्म करने को, चीनी का डिब्बा ले लो, एक चम्मच ले लो जल्दी, चलो फटाफट मम्मा अभी क्या बाद में कर लेंगे ऊपर साहब। चलो बहुत बढ़िया,
चाप चलो भैया। और गाइस आवाज तो आई थी लेकिन आए नहीं भाई है। वैसे भाई बता दूं भाई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बुढ़िया के बाल बनाने में, चाशनी वाशनी बनाने में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। गाइस हम इसे बाहर लेके जा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा स्टूडियो में, थोड़ी सी बाहर की भी हवा खा लेंगे। गाइस मेज पड़ा है बाहर, ओ भाई धूप निकल गई, देखो गाइस सूरज निकल गया है और ये भाई कुछ इस तरीके से पड़ी है। वाह तो अरे भारी बना लेंगे डायरेक्ट, यहाँ पे काफी मजा आएगा धूप में, थोड़ी सी ज्यादा धूप पड़ रही यार है। चलो यार टेबल को छाया में ले चलते हैं, उठाओ। ये फौजी भाई ने आइडिया दिया है जस्ट अभी अभी, बहुत अच्छी धूप आई है भाई, मेज को यहाँ लाती है धूप चली गई। अबे यार क्या हो रहा है भाई, किसके साजिश है, कौन कौन दुआ मांग रहा है भाई साहब, एक बंदा काम ही न करे धूप में। लगा फौजी भाई फटाफट से, और भाई मेरे को पता नहीं है भाई कितना रेशियो होता है ना पानी का और चीनी का शुगर का। अरे यार ये भी दिक्कत है, डांट लगा दो ना, सारी दिक्कत आज ही आनी है। इसका कहाँ चला गया पॉइंट, ऑफिस में गिर गया। अच्छा ओके चलो डांट लगा दो कोई बात ना, अरे हम भी परेशानी से लड़ने के लिए बने हैं, मैंने हथियार के वो भी। अरे बोतल आना पानी की, जंगल पहन के चड्डी खिली है, लाओ। ये क्या बोल दिया मैंने, मतलब चड्डी पहन के फूल खिला है, और इसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका यहाँ रख दो इसे। अरे यार अभी मत बनाओ इसे, एक काम और करना बाकी है भी, मशीन ले आओ यहाँ पर पहले, उसके गत्ता लगाना बीच में बनाओ कैसे तुरंत हाथ वाट भाई साहब, इसमें चाशनी डाल जाएगी। बनाने के लिए हम कौन सा गत्ता ले सकते हैं, ये ले सकते हैं क्या, इसका तो खुद की कंडीशन खराब है भाई, इसे कह लेंगे यार ये बड़ा है, ये वाला ले सकते हैं बड़ा वाला, ये यार छोटा है, हर चीज हमारे पीछे पड़ी हुई है। एक काम करो खाली कर लो अमेज़न वाला जो, वाह आधा नीचे बिखरा है हमने, बहुत बढ़िया पावर ने देखी मेरी भी, ये भाई कुछ ऐसा रहेगा। हाँ तो भाई वो कुछ डिब्बा इस तरह से हमने कर लिया है, उस पर कपड़ा पड़ा मार लिया, अंदर साफ सुथरा कर लिया इसे। ये भाई कुछ इस तरीके से इसके अंदर लग जा रहा है, और इस पर ऐसे काम करना चाहिए भाई। अब बनाते हैं चाशनी, अब निकली देगा धूप, जब हम साइड में आ गए तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं भाई। मैं लूंगा यहाँ पर, वाह क्या चम्मच है, इससे छोड़ो ऐसे तो घंटों लग जाएंगे, इससे ले लेते हैं ना लगभग भाई एक चम्मच मानो, तीन चार और पाँच छः, पता नहीं भाई इस कटोरी में काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसमें डाल दे थोड़ा सा पानी, ठीक है ये लगभग हाफ ढक्कन था, अब भाई चलाते हैं इसे। वैसे भाई इसका भुनिया सुनने वाला, ओ भाई पूरा 1000 पूरा कम करो। चलो गाइस फटाफट अब इसकी बनाते हैं चाशनी सिंह। तो भाई लगभग तैयार हो गया है, तो भाई साहब इसे करते हैं बंद, ठीक है। और भाई से बहुत ही ध्यान से प्लीज दोस्तों सेफ्टी के साथ, ठीक है हीट है भाई गर्म है, और मैं इसे फिलहाल यहाँ रखता हूँ। और भाई आते हैं सीधा भाई, फौजी भाई चलाओ मशीन, देखते भाई क्या होता है, थोड़ा डालेंगे ठीक है। ओ भाई ओ भाई ओ बंदे भाई बुला के बाहर, ओ भाई बन गए देखो, ओ भाई बंद करो बंद करो बंद करो ओ भाई, अरे भाई मजा आ गया जो बात है। ओ भाई हम सक्सेसफुल हो गए ओ बुढ़िया के बाल बनाने में, ओ यार क्या मस्त बने देगा भाई। मैंने भाई इसमें किसी भी तरह का कलर का यूज नहीं किया, आपके सामने है, थोड़ी सी रेड हो गई थी, वजह खा के देखते हैं भाई साहब एक नंबर, और चलाते हैं। देखा भाई क्या मस्त बन, ओ हो यार भाई मजा आ गया, बंद करो। देखो भाई ये जा रहे ऐसे, और ये इसके नीचे चले गए, और ये हमारा थोड़ा सा लोंडा बिगड़ गया। चलो फिर करते हैं ट्राई, फौजी भाई चालू करो। देखो भाई मस्त, बस बंद कर दो, ये वाला बढ़िया बना भाई, देखिए बॉस तो भाई हमने बना दिया यार, बड़ी दिक्कत है भाई गर्मी पड़ रही है तो कहीं सी, ओ ओ ओ ओ ओ भाई ये हीट हो रहा था ना यहाँ से इंडक्शन, तो भाई मैंने इस पर रख दिए, तो गाइस काफी सारे बन गए, और इस तरह तो भाई हम बना सकते हैं यार, कोई प्लेट लगाना चाहिए था, फिलहाल तो यहाँ रख देते हैं। चाशनी भी लगभग ठंडी होगी, तो थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं ना। भाई स्पीड बहुत मस्ती, ऊपर से गाइस हमारे जो चाशनी है ना ये भाई ठंडी हो गई है, प्लेट भी ठंडा हो गया है वैसे, लेकिन भाई इसने और भी कमाल कर दिया इस बार। अरे भाई ये बढ़िया बना भाई, जो बात है आगे देखते हैं भाई, मौका मिलेगा खाने का, वे भी कर रहा हूँ तुम्हें ना मिलने का, तो भाई तुम वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक कर दो फटाफट, तो तुम्हें खाने को मिलेगा, तुम देखाओ।
भाई अच्छा काम किया। ऊपर से गाइस ये जो है ना प्लास्टिक डिब्बा बनाया था ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुआ या बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ। तो भाई हमने सब ताम जाम फैला दिया है, इससे हम और बना सकते हैं। तो गाइस देखा कि हमने खराब मिक्सी से क्या क्या किया। बुढ़िया के बाल बनाने का भी एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे। पहले से गाइस मैंने ठीक बनाए, हाँ तो मैं सब भाई मीठी मीठी की आ रही, बाल लगाऊंगा तो बाल में मक्खी आ जाएंगी। तो गाइस काफी मेहनत थी इस ब्लॉग में। प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें इस वीडियो को। और गाइस जरूर बताएं ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो फौजी भाई तो बुढ़िया के बाल खा रहे हैं, कैसे लगे? बढ़िया। तो थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कल 9 बजे। बाय बाय।